दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अब हर तरह की क्षमता रखता है। जैसे जैसे भारत अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ाता जा रहा है, उसे सफलता मिलती ही जा रही है। हाल ही में चंद्रयान 2 के 1 साल पूरे हुए हैं। अब एक सफलता फिर से हाथ लगी है। भारतीय सैटेलाइट एस्ट्रोसिट ने आकाशगंगा से निकलने वाली तीव्र पराबैंगनी किरण का पता लगाया है। IUCAA के नेतृत्व में एक टीम ने इसकी खोज की है, जो कि पुणे में स्थित है। IUCAA ने बताया कि जिस आकाशगंगा से ये पराबैंगनी किरण निकल रही है, वह पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि 98 खरब किलोमीटर के बराबर यह दूरी होगी। रिपोर्ट के अनुसार एस्ट्रोसेट ने इस किरण का पता लगाया है। यह एक वैश्विक टीम है जिसका नेतृत्व डॉक्टर कनक शाह कर रहे हैं। इस टीम में भारत, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट शामिल हैं। डॉक्टर शाह के मुताबिक एस्ट्रोसेट के कारण ही आकाशगंगा का अवलोकन किया गया, जो कि डीप फील्ड में स्थित है। अक्टूबर 2016 में इसका अवलोकन किया गया, जो कि 28 घंटे से अधिक समय तक चला। लेकिन यह पता लगाने में कि किरणें आकाशगंगा से ही निकल रही हैं, इसमें लगभग 2 साल लग गए। IUCAA के निदेशक डॉक्टर चौधरी का कहना है, यह एक महत्वपूर्ण सुराग है, जिससे यह जाना जाएगा कि ब्रह्मांड में अंधेरा युग कैसे समाप्त हुआ, जबकि वहां प्रकाश ही प्रकाश था। इसके पहले नासा का एक HST टेलीस्कोप ने भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी। डॉक्टर शाह ने कहा कि UVIT इस उपलब्धि को हासिल करने में सक्षम था, क्योंकि UVT डिटेक्टर में पृष्ठभूमि का शोर HST की तुलना में बहुत कम है। वैज्ञानिक अध्ययन में पाया कि आकाश गंगाओं में उनके अंदर छोटी छोटी आकाश गंगा भी होती हैं, जिनका द्रव्यमान मिल्की वे में आकाश गंगाओं की तुलना 100 गुना कम है। तो दोस्तों, भारत की इन सफलताओं से हमें भी काफ़ी गर्व महसूस होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें।